एशियन गेम्स 2023 की शुरुआत होने वाली है। 19th एडिशन में हम कई सारे स्टार्स को देखने को मिलेंगे, जहां पर गोल्ड स्टेक पे होगा। कई सारे प्रोमिनेंट प्लेयर्स खेल रहे हैं ऑलरेडी, जिन्होंने ओलंपिक में भी परचम लहराया है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एवर एशियन गेम्स की। 1951 में इंडिया ने होस्ट किया था, सिर्फ होस्ट ही नहीं किया था, 51 मेडल्स ग्रैब किए थे, इंक्लूडिंग 15 गोल्ड मेडल। आज 1951 से 2023 आ चुका है और अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस 1951 फर्स्ट एवर एशियन गेम्स में देखने को मिला था। न्यू दिल्ली में हमने कई सारे गोल्ड मेडल जीते थे, पर इस बार के एशियन गेम्स में हमें कुछ नया करना होगा। एक लेगेसी जो हमने वहां से शुरुआत करी थी, उसे कंटिन्यू होते देखना पड़ेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं 1951 एशियन गेम्स क्यों इतना स्पेशल है, फर्स्ट एवर एशियाड, और इस वीडियो में आपको ढेर सारी बातें पता चलने को मिलेगी। In the year 1951, less than 4 years since India gained its independence, सभी की निगाहें एक ऐसे देश पर थी जो पार्टीशन और कई तरह के क्राइसिस फेस कर चुका था पास्ट टाइम में, बट स्टिल इंडिया मैनेज्ड टू पुल ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन स्पोर्ट्स, और वहां से वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को लेकर नजरिया बदलने लगा। एशिया वॉज रिकवरिंग फ्रॉम द aftermath ऑफ ब्रूटल सेकेंड वर्ल्ड वॉर, and in reality even India was not fully recovered from the past happenings. Still the newly independent India was eager to announce its sovereignty to the world, aur to aur maksad tha ek idea jisko bade level par le jana tha, unified Asia banana tha. वैसे तो Asian Games का जो idea था वो independence से भी पहले 1947 में ही एक conference held हुई थी New Delhi में, वहां पे टेबल किया गया था, पर इसे इंप्लीमेंट करना था 1950s में, बट इनफ प्रिपरेशंस ना होने की वजह से फिर इसे इनिशिएट करा गया 1951 में। किसी इवेंट को कराने में इतनी ईगरनेस इंडिया जैसे कंट्री ने, जो कि जस्ट इंडिपेंडेंस से गुजरा था और सॉवरेनिटी अपनी आगे लानी थी, इसे पहले कभी नहीं दिखाई थी इतनी ईगरनेस। पर नाउ द व्हील ऑफ द टाइम वॉज टेकिंग अ न्यू शेप विद इंडिया फाइनली लीडिंग द वे, सेलिब्रेटिंग द कोलैप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म थ्रू द ग्रैंड इवेंट नोन एज एशियन गेम्स, ऑफन डब्ड एज द मिनी ओलंपिक। द होस्ट कंट्री नॉट ओनली एडमायरेबली होस्टेड द इवेंट बट ऑल्सो फिनिश्ड सेकेंड इन द मेडल टैली, मार्किंग इंडियाज बेस्ट एवर परफॉर्मेंस एट द एशियन गेम्स इवन आफ्टर 72 ईयर्स। इतने साल के बाद भी अभी तक अगर हम देखेंगे तो 2023 आ चुका है, 1951 से हमने सफर तय किया था, अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस 1951 के एशियन गेम्स को ही माना जाता है, जहां इंडिया ने 51 मेडल्स ग्रैब किए थे, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ गोल्ड मेडल्स। ये तो बात रही कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ था, पर अब बात करते हैं भाई, फ्लैशबैक में जाते हैं। 4th of March 1951 की बात करेंगे। इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 40,000 स्पेक्टेटर्स के सामने एशियन गेम्स, इनॉगरल एशियन गेम्स को ओपन डिक्लेयर कर दिया था। एट दैट टाइम कई सारे नेशंस जो थे वो ब्रूटल स्कार्स वर्ल्ड वॉर टू से वापसी कर रहे थे, इंक्लूडिंग जापान। अब बात करें नेशंस की, कौन कौन से नेशंस इंक्लूडेड थे, तो 11 नेशंस पार्टिसिपेटेड इन इट, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, बर्मा विच इज नोन एज म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। केम विद अ टोटल ऑफ 489 एथलीट्स टू पार्टिसिपेट इन 57 इवेंट्स अक्रॉस 8 स्पोर्ट्स। द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड 2 ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस कंटिन्यूड अंटिल 1981 व्हेन यादवेंद्र सिंह, द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ पटियाला, अलॉन्ग विद एंथनी डेमेलो हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ वन ऑफ द फाउंडर ऑफ BCCI फॉर्म द ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया एज वी नो इट टुडे। एशियाड के पहले एडिशन का लोगो चूज किया गया था रेड सन, जिसके अंदर एक व्हाइट कलर का सर्कल इनहेल था, सराउंडेड बाय 11 रिंग्स, और वो 11 रिंग्स रिप्रेजेंट करते थे 11 नेशंस जिन्होंने फर्स्ट एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। द ग्रैंड फेस्टिवल केम टू अ क्लोज विद जापान टॉपिंग द मेडल्स टैली, और जापान की यहां पर बात इसलिए ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए क्योंकि एक ऐसा नेशन जो वर्ल्ड वॉर टू में हिरोशिमा नागासाकी स्कार से वापसी कर रहा था, एक ब्रूटल वर्ल्ड वॉर, जैसे कि हम बार बार कह रहे हैं जापान वॉज द एपिसेंटर ऑफ इट, पहला एटॉमिक बॉम्ब वहां पे गिराया गया, उसके बावजूद जापान ने वापसी करी
मेडल टैली में टॉप पर रहा 60 मेडल्स के साथ, वाइल इंडिया सिक्योर्ड द सेकेंड पोजीशन विद 51 मेडल्स इंक्लूडिंग 15 गोल्ड मेडल्स। एशियाड 1951 में बात करें अगर गेम्स की, तो 6 गेम्स वर इंक्लूडेड इंक्लूडिंग एथलेटिक्स एक्वेटिक्स दैट वॉज ब्रोकन इन टू डाइविंग स्विमिंग एंड वाटर पोलो डिसिप्लिन्स। इसके अलावा बास्केटबॉल, साइकिलिंग थी, साइकिलिंग भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, रोड साइकिलिंग एंड ट्रैक साइकिलिंग। अदर देन दिस फुटबॉल एंड वेट लिफ्टिंग वर द इवेंट्स। अब बात की जाए मेडल टैली की, तो टॉप किया जापान ने 60 मेडल्स के साथ, इंडिया रहा सेकेंड नंबर पर 51 मेडल्स के साथ इंक्लूडिंग 15 गोल्ड 16 सिल्वर एंड 20 ब्रॉन्ज मेडल। थर्ड पर ईरान, फोर्थ पर सिंगापुर और फिफ्थ पर फिलीपींस ने फिनिश किया था गेम। मेडल टैली के बारे में भी आपको बता दिया, बात करते हैं इंडिया के प्रोमिनेंट प्लेयर्स जिन्होंने ग्लोरीफाई किया था इंडिया को, उनकी बात करते हैं। एशियन गेम्स 1951 में अगर इंडिया के प्रोमिनेंट प्लेयर्स की बात की जाए तो सबसे पहले नाम आता है लेवी पिंटो का, जिन्होंने एथलेटिक्स कैटेगरी में ग्रैब किए 2 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल। इसके अलावा केपी थाकर स्विमिंग में 2 गोल्ड मेडल। इंडियन फुटबॉल टीम लेड बाय द इंडियन फुटबॉल लेजेंड सेलन मन्ना वन द गोल्ड मेडल वाइल प्लेइंग बेयर फुटेड इन द इवेंट। अपार्ट फ्रॉम देम, रंजीत सिंह, निका सिंह, ए एस बख्शी, छोटा सिंह वर द फ्यू ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेयर्स हु ग्लोरीफाइड इंडिया इन एशियाड 1951। तो ऐसा रहा 1951 एशियन गेम्स का इतिहास, क्यों स्पेशल रहा ये भी आपको बता दिया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए किस्से के साथ एशियन गेम्स से जुड़े। वीडियो अच्छा लगा हो तो खेल नाउ टीवी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें।